दोस्तों सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। अभी आपको बताऊंगा, हम व्हाट्सएप चलाते हैं एक मोबाइल फोन में जिसमें सिम कार्ड लगी हुई है, और अगर हम दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो उस पहले वाले फोन में व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। यानी कि व्हाट्सएप अभी एक ही प्राइमरी डिवाइस में चलता है, राइट। लेकिन अब आपको ये समस्या नहीं रहेगी, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह को एक से ज्यादा मोबाइल फोन में लॉगिन करके चला सकते हो ना, ठीक ऐसे ही व्हाट्सएप को भी अब आप एक साथ चार फोनों में इस्तेमाल कर पाएंगे, ओटीपी के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे। इसका तरीका क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया कि स्टार्टिंग टुडे यू कैन लॉग इनटू द सेम व्हाट्सएप अकाउंट ऑन अप टू 4 फोन्स। जी हाँ, यानी सिंपल मतलब ये कि आप एक साथ चार फोन में अपना व्हाट्सएप अकाउंट चला पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ये बड़ा बदलाव किया। हालांकि अभी डेस्कटॉप में आप मल्टीपल व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर में लॉगिन करके, लेकिन मोबाइल फोन में ये फीचर नहीं था पहले, तो अभी जारी कर दिया। आइए अब देखते हैं कि आखिर आप इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे इस फीचर का। तो व्हाट्सएप यूजर अगर प्राइमरी डिवाइस के साथ अन्य डिवाइस पर लॉगिन करना चाहता है ना, तो आपको दूसरे मोबाइल फोन में सिंपली व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाकर के आपका मोबाइल नंबर डालना, जो व्हाट्सएप नंबर है ना आपका वो डालना। इसके बाद आपके प्राइमरी फोन पर ओटीपी आएगा। जैसे आप दूसरे डिवाइस पर वो ओटीपी डालोगे ना, तो आपके प्राइमरी फोन से व्हाट्सएप लॉग आउट नहीं होगा, बल्कि उसमें दूसरे डिवाइस पर भी लॉगिन हो जाएगा। और इसी तरह से अब आपको सभी मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप में क्यूआर कोड भी मिलेगा। आप अपने प्राइमरी डिवाइस पर सीधा क्यूआर कोड स्कैन करके भी अन्य डिवाइस को लिंक कर पाएंगे, है ना। तो व्हाट्सएप पर आज से आपको ये नया अपडेट मिलना शुरू हो गया। और भी इसी तरह की टेक न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप हमारे